गोष्ठी आयोजित करने के लिए। मैं इसमें स्वागत करती हूँ श्री प्रदीप कुमार जी का, डायरेक्टर MSME, BIA के प्रेसिडेंट अरुण अग्रवाल जी, अजय जी, सॉरी आदित्य जी, MSME से रविकांत जी, विभूति जी अभी पहले बोल चुके थे और बहुत सारा चीज़ बताए जो फाइनेंस के चलते स्टार्टअप में जो कमी है इस तरह बहुत अच्छी बात बताएं। हम लोग भी लगातार चर्चा करते हैं। सम्राट जी, संजीव जी और संजीव आजाद जी को बहुत बहुत हम आभार भी व्यक्त करते हैं और ये मौका देने के लिए। रही बात यहाँ अभी बहुत अरुण अग्रवाल जी बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन ये जो आज यहाँ चर्चा रखा गया है पॉजिटिव योगदान के लिए, तो हम यही कहना चाहेंगे MSME का जो भी स्कीम है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, माटू वाला स्कीम है, तो ये महिला उद्यमी के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है और इसका भरपूर फायदा भी ले रहे हैं। हम पहले अपना ही उदाहरण देना चाहेंगे, बहुत साल से MSME में जुड़ के और इसका फ़ायदा भी लिए हैं, लेकिन ये आने वाले जो 5-6 साल पहले जो जागरूकता बढ़ी है, इसके लिए हम मौजूदा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। रही बात सुधार करने की कमी की, तो हर जगह कहीं ना कहीं कमी तो रहती है, उसमें सुधार का तो हमेशा ही गुंजाइश रहता है, लेकिन अभी जितना योजना है, लोन का हो, मुद्रा लोन हो, तो छोटा व्यवसाय शुरू करती है, बड़ा बड़ा स्टार्टअप से में बहुत बड़ा पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार महिला उद्योग संघ में भी छोटी छोटी महिला उद्यमी है, उनके लिए 10 लाख बहुत बड़ा हो जाता है, बढ़िया अपना शुरू कर सकती हैं। और रही बात आपने आधी आबादी की बोले, ये हम देख रहे हैं कि एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं, बहुत बड़ा सेमिनार करते हैं, विदेश के लोग सब आते हैं, एम्पावरमेंट पर बात करके चले जाते हैं, लेकिन यदि हम आर्थिक रूप से उनको सशक्त नहीं करेंगे तो ये एम्पावरमेंट बेमानी है। जब तक फाइनेंस में घर के कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी तो उनको लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए, महिलाएँ घर में बहुत काम करती हैं, यदि वो घर में काम नहीं करें तो पुरुष नौकरी भी नहीं कर सके, लेकिन कोई भी उनका कंट्रीब्यूशन का कोई माने ही नहीं रहता है। यदि वो आप 1000 रुपये महीना कमा के दे देंगे, हाँ ये कमा रही है, तो उसका इज्जत बढ़ जाता है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको आत्मनिर्भर बनना। तो हम MSME सेक्टर से ही बहुत उम्मीद करते हैं और इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें हम लोग को भी है, समय कम है, तो लिखित में देंगे इस बारे में। और हमारे यहाँ देखिए, हमको स्वागत सभा किए हमारे बिहार महिला उद्योग संघ वाइस प्रेसिडेंट किरण रंजन आई है, एग्जीक्यूटिव मेंबर साधना झा है, जनक किशोरी है, मेंबर सीमा जी है, नेहा है, सब आई हैं, सब करती हैं और सब MSME का जो भी छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन इन लोगों को यदि और भी थोड़ा सा असिस्टेंस मिले तो और अच्छा कर सकती हैं। हम लोग वर्ष में 2 बार मेला लगाते हैं, MSME का बहुत बड़ा सहयोग रहता है हर तरह से, हम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं कर सकते, एक मोटिवेशन भी बहुत मिलता है। कुछ भी काम होता है तो यदि कोई तरह की परेशानी हो, चाहे वो उद्यम रजिस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो, कोई जानकारी हो, किसी को भी फोन करते, कभी रविकांत जी को, कभी सम्राट को, कभी संजीव आजाद जी को, संजीव वर्मा जी को तंग करते रहते हैं, लेकिन हम देखे हैं कि जितना सहजता, सरलता और सुगमता के साथ हम लोग को इस ऑफिस से और MSME से मदद मिलता है, उतना और विभाग है, सबका आलोचना नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने हक की बात, अपने तरफ की बात बोलेंगे तो MSME से ज़्यादा मिलता है।